स्वस्थ रहना है तो अपनाइए ये 25 टिप्स। नंबर 1, दिन में थोड़ी देर नंगे पांव चलना चाहिए, और अगर आप हरी घास पर नंगे पांव चलें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 2, स्वस्थ रहने के पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। नंबर 3, स्वस्थ रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। नंबर 4, सुबह खाली पेट कभी भी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, चटपटा या ज्यादा मसालेदार आहार ना लें। नंबर 5, सुबह के समय बिना ब्रश किए सबसे पहले 3 से 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। नंबर 6, दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास अवश्य पानी पीना चाहिए। नंबर 7, खाना खाते समय टीवी मोबाइल ना देखें। नंबर 8, फ्रिज में रखा ठंडा पानी ना पिए। नंबर 9, अगर आप चाय पीते हैं तो कोशिश करें कि खाने के बाद चाय ना पिए, थोड़ी देर बाद पिए। नंबर 10, अपने खाने में फाइबर की सही मात्रा को रखें। नंबर 11, रात को खाना सोने से कम 2 घंटे पहले करें। नंबर 12, अपना खाना अच्छे से चबा चबा कर खाएं। नंबर 13, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें और रात को कभी भी देर से ना सोएं। नंबर 11, प्रतिदिन सुबह एक तुलसी के 1 या 2 पत्ते खाने के मौसम बदलते होने वाले रोगों की से आप रोकथाम कर सकते हैं। नंबर 13, हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 17, रात को दूध पीना सर्वोत्तम माना गया है, यह नाड़ी की गति को धीमी कर देता है जिससे शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है। नंबर 18, कम बोलना बहुत अच्छी बात है, इससे मन प्रसन्न रहता है, जहाँ जरूरी हो वहीं बोलना चाहिए। नंबर 19, प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ देने से मनुष्य में तेज आता है और मानसिक परेशानियाँ कम होती हैं। नंबर 20, जिन्हें कब्ज रहती है उन्हें पके पपीते का सेवन करना जरूरी है। नंबर 21, मैदा, चीनी और नमक का सेवन कम करना चाहिए। नंबर 22, रात में दही, चावल या खट्टे फलों का सेवन ना करें। नंबर 23, सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिए, मुंह से सांस लेना कई रोगों को आमंत्रित करता है। नंबर 21, विचारों को हमेशा रखें सात्विक, अगर विचार उत्तम होंगे हमेशा मन सुख और प्रसन्न रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 23, रात को तांबे के पास में रखा हुआ पानी सुबह पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।